रजनीकांत जो भी करते हैं उसका अलग ही अंदाज होता है और यही कारण है कि दर्शक केवल उनके प्रशंसक नहीं बल्कि दीवाने हो जाते हैं। अपनी नई फिल्म काला में भी रजनीकांत का अलग अंदाज लोगों को खूब लुभा रहा है और अब तो उनके साथ साथ उस कार की भी चर्चा हो रही है जिस पर फिल्म के एक पोस्टर में वे बैठे दिख रहे हैं। क्या है इस कार की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। फिल्म काला के एक पोस्टर में रजनीकांत थार नाम की गाड़ी के बोनट पर काली शर्ट और लुंगी के साथ शान से बैठे नजर आ रहे हैं। जब ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा ने इस पोस्टर को देखा तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके शूटिंग में इस्तेमाल हुई इस कार के बारे में पूछा था, जिसे भी इस शूट में इस्तेमाल हुई थार के बारे में कुछ पता है तो हमें बताए, मैं इसे हमारी कंपनी के ऑटो म्यूजियम के लिए लेना चाहता हूँ। रजनीकांत न केवल इस पोस्टर में बल्कि फिल्म के कई सीन में थार पर बैठे हुए नजर आए हैं। बहरहाल रजनीकांत के दामाद फिल्म मेकर धनुष और उनकी पत्नी ने यह दावा किया है कि शूट खत्म होते ही वे इस कार को आनंद तक पहुँचा देंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए हाल ही में इस कार को उन्होंने चेन्नई पहुंचा दिया है। यह कार अब चेन्नई की महिंद्रा रिसर्च वैली में सुरक्षित है। रजनीकांत के पोस्टर वाले अंदाज में महिंद्रा से जुड़े तमाम लोगों ने इसके साथ तस्वीरें खिंचवाई है और उन्हें काला हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कार मिलने के बाद तस्वीर शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा का एक और ट्वीट आया कि याद है मैं काला के पोस्टर में इस्तेमाल हुई थार अपने म्यूजियम के लिए चाहता था, धनुष ने मेहरबानी की और यह कार अब चेन्नई की महिंद्रा रिसर्च वैली में सुरक्षित है। मैंने अपने लोगों से थलाइवा वाले पोस्ट में फोटो खिंचवाने को कहा और देखिए उन्होंने इसका कितना मजा लिया। बाबा जिसने लुंगी पहनी है अब उसे काला बाबा कहा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।